नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। सुबह सुबह बड़ी खबर लेकर आया हूं, राजनीतिक गलियारे से खबर है। आपको पता है कि आरजेडी से रघुवंत प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। सादे कागज पर पत्र लिखकर लालू यादव को इस्तीफा भेजा था। उसके बाद लालू यादव का भी एक पत्र वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, रघुवंत बाबू को लिखा था और उनको मना लेने का दावा किया था। और लगातार आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं कि रघुवंश बाबू कहीं नहीं जाएंगे, आरजेडी में ही बने रहेंगे। लेकिन अगर रघुवंश बाबू का जो दूसरा पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, उस पत्र के बाद ये साफ हो गया है कि रघुवंश बाबू अब आरजेडी में वापस नहीं आने वाले हैं। रघुवंश बाबू ने लालू परिवार का नाम लिए बगैर लालू परिवार पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है और कहा है कि महापुरुषों की जगह एक ही परिवार के 5 लोगों का फोटो कैसे लगा लेते हो, केवल धन कमाना ही लक्ष्य रह गया है। तो निश्चित रूप से उनका इशारा पूरी तरह से लालू यादव के परिवार पर है और लालू यादव के परिवार पर उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया है। आरजेडी के पूर्व नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे के बाद दूसरी जो ये चिट्ठी आई है उससे बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है और लालू राबड़ी कुंबे के लिए इस पत्र को पचा पाना बहुत आसान काम नहीं होगा। बीमार रघुवंश बाबू अपनी अपार पीड़ा जाहिर करते हुए पूरे कागज पर समाजवादी राजनीति के सिद्धांतों को उकेरते हुए लिखा है कि अब महापुरुषों की जगह राजनीतिक पोस्टरों पर एक ही परिवार के 5 लोगों के फोटो चस्पा कर दिया जाता है। आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद आरजेडी में घोषित वंशवाद की राजनीति पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला है और लिखा है कि वर्तमान राजनीति में जितनी गिरावट आई है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। रघुवंश बाबू ने बिना नाम लिए लालू परिवार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि पद हो जाने से धन कमाना और धन कमाकर ज़्यादा लाभ का पद खोजना आज की राजनीति का सिद्धांत बन गया है। अब महात्मा गांधी, बापू जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, बाबा साहेब और जननायक कर्पूरी ठाकुर की जगह एक ही परिवार के 5 लोगों की फोटो छपने लगी है। तो बहुत बड़ा हमला बोला है रघुवंश बाबू ने लालू परिवार पर। वर्तमान में उन्होंने आगे लिखा है कि वर्तमान में राजनीति में इतनी गिरावट आ गई है जिससे लोकतंत्र पर खतरा पैदा हो गया है। महात्मा गांधी, बाबू जयप्रकाश, लोहिया, बाबा साहेब और जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम और विचारधारा पर लाखों लोग लगे रहे, कठिनाइयाँ सही लेकिन डगमग नहीं हुए। लेकिन अब समाजवाद की जगह सामंतवाद, जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, संप्रदायवाद आ गया है। यह भी उतनी ही बुराइयां हैं जिसके खिलाफ समाजवाद का जन्म हुआ था। अब इन 5 महान महापुरुषों की जगह एक ही परिवार के 5 लोगों ने ले ली है। तो रघुवंश बाबू का एक बहुत बड़ा हमला है, लालू परिवार पर बड़ा हमला है और अब तो साफ हो गई है बात कि रघुवंश बाबू अब वापस आने वाले नहीं हैं। वैसे रघुवंश बाबू दबाव की राजनीति करते नहीं हैं, एक बार फैसला ले लिया आप कभी बदलते नहीं हैं। तो अब जब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है तो उनके फिर वापस आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आरजेडी की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आरजेडी के साथ बड़े स्वर्ण जाति के नेता अभी भी हैं, उसमें रघुवंश बाबू का भी नाम गिनाया जाता है, शिवानंद तिवारी का भी नाम गिनाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि रघुवंश बाबू तो अब आरजेडी छोड़ चुके हैं और उनके आरजेडी में वापस आने की संभावना ना के बराबर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।